केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो CBN द्वारा दिवंगत किसानों की मृत्यु के बाद पट्टा नामांतरण के लिए 24 और 25 अक्टूबर को विशेष शिविर का आयोजन किया गया। केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो के नियमित कार्य में यह शिविर का आयोजित किया गया, जिसमें किसानों ने एक ही दिन में पट्टा नामांतरण कराकर इस प्रक्रिया का लाभ लिया। यह पहली बार हुआ जब किसानों के लिए पट्टा नामांतरण शिविर का विशेष आयोजन किया गया। पहले किसान चक्कर लगाते थे, लेकिन उनके पट्टे की प्रक्रिया काफ़ी लेट हो जाती थी और नामांतरण के लिए उन्हें भटकना पड़ता था। इस वर्ष इस शिविर लगने के बाद किसानों को सीधा लाभ मिला है, साथ ही बिचौलियों और दलालों से भी छुटकारा मिला है। इस शिविर के आयोजन को लेकर जहां नारकोटिक्स विभाग द्वारा तैयारी की गई थी, वहीं किसानों को भी सूचना दी गई थी। दो दिवसीय शिविर के आयोजन में केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो के नीमच के प्रथम खंड में दो दिन के दौरान 17 लोगों के पट्टे नामांतरण किए गए, वहीं द्वितीय खंड में 28 लोगों के पट्टों को नामांतरण किया गया। किसानों का कहना था कि इस विशेष शिविर का हमने सीधे लाभ उठाया है और यह शिविर पहली बार आयोजित हुआ है और किसान इससे खुश नजर आए। नमस्कार नीमच, नीमच टुडे में आपका स्वागत है। केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो के प्रथम खंड में विशेष कैंपेन शिविर लगाया गया है, जिसमें जो अफीम उत्पादक किसानों की मृत्यु हो गई है, उनके पट्टा नामांतरण प्रक्रिया यहाँ चल रही है। पहले यह प्रक्रिया बहुत जटिल हुआ करती थी। किसान के जो परिजन थे, दिवंगत किसानों के परिजन चक्कर लगाया करते थे और साथ में दलाल और बिचौलिए भी सक्रिय हुआ करते थे, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि जब शिविर लगाकर पट्टा नामांतरण प्रक्रिया की जा रही है और इस दो दिवसीय शिविर में बड़ी संख्या में किसान आ रहे हैं। वे किसान आ रहे हैं जिनके वर्ष 2023-24 में देहांत हो गया है और यह पट्टा उनके परिजनों के नाम हो रहा है। हमारे बीच है गांव के कुछ मुखिया और कुछ किसान, आइए चर्चा करेंगे। जी, क्या नाम है आपका? कमल सिंह जी। कमल सिंह जी, कहाँ, कौन से गांव के? जालपुर। ये जो नारकोटिक्स विभाग ने ये जो कैंप शिविर आयोजित किया गया है, आप आए तो नामांतरण वगैरह हो रहे हैं? हो रहे सर। ऐसा? हाँ सर। पहले कभी होते थे इस तरह से? नहीं होते थे, पहली बार होते सर। पहली बार हुआ है तो ये पहले जैसे जिस तरह से बात सामने आती थी कि लोग सक्रिय हो जाते थे, अब वो बीच का सब खत्म हो गया? सब खत्म हो गया सर, लाइट आमने सामने बात हुई सर। लाइट आमने सामने? हाँ सर। अच्छा, तो नामांतरण वगैरह जो दिवंगत किसान है उनके परिजनों के नाम किए जा रहे हैं? परिजनों के नाम किया जाए। तो ये पहले प्रक्रिया बहुत जटिल हुआ करती पहले? हाँ, बहुत दिक्कत आती थी पहले, तो चक्कर भी लगा, चार आठ आठ दिन दिन दिक्कत आती थी। ऐसा? अब एक दिन में काम हो गया सर। क्या क्या दस्तावेज लेके आ रहे हैं? सर, मृत्यु प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, परिचय पत्र, जमीन की पावती, फोटो कॉपी, हाँ, राशन कार्ड। तो ये आईडी? अच्छा, तो मतलब अभी दिक्कत नहीं आ रही है? कोई दिक्कत नहीं सर, अभी एक घंटे में मेरा काम हो गया सर। एक घंटे में आया था मैं, अभी फ्री हो गया। आ गया। ठीक, को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। जी जी, धन्यवाद दादा। आपका नाम क्या है? भवन लाल। इधर आइए दादा, इधर। कौन से गाँव से? बड़ोली। दादा, क्या हुआ, मतलब अभी जो नामांतरण का काम चल रहा है, संतुष्ट हैं आप? हाँ बिल्कुल। कितने आप लोगों ने कराया नामांतरण? कराए एक नामांतरण हुआ। हुआ है? अच्छा, पहले ये जटिल प्रक्रिया हुआ करती थी? हाँ। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक दादा। आप कौन से गांव के हैं? बड़ोली के हैं। आपके भी काम हो रहे हैं? एक महिला परिजन आई है, आपके किसके नामांतरण होना था? भाई के। तो आपको साइन करने के लिए बुलाया हुआ? अच्छा, हो गया नामांतरण? अच्छा अच्छा, आप दादा इधर आए। आप, आपका नाम क्या है? तो आपका भी अफीम का पट्टा है क्या? तो नामांतरण हुआ उसका? कहीं मतलब कैसा लगा कि आपके सेम डे काम हो रहा है? पहले चक्कर के लगाने पड़ते थे? अच्छा, आप कोई परेशानी नहीं है? ठीक ठीक। तो आपने देखा कि नारकोटिक्स विभाग की इस पहल से किसानों को फायदा मिल रहा है और खास तौर पे इसे किसान जिनके परिजनों की मृत्यु हो गई, बाद में वे चक्कर। केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो के प्रथम खंड के जिला अफीम अधिकारी M.K. पीपल ने कहा कि दो दिवसीय शिविर में किसानों को सीधा लाभ मिला है। आवश्यक कागजों की पूर्ति होने के बाद उनके पट्टों को नामांतरित कर दिया गया। कुछ स्थिति में विवाद बना तो पक्षों को समझाकर नामांतरण किया गया है। यह पहली बार शिविर आयोजित हो रहा है और इसका लाभ अफीम उत्पादक किसानों के परिवार को सीधे मिला है। नारकोटिक्स विभाग द्वारा दो दिवसीय पट्टा नामांतरण शिविर रखा गया है, कितने कैंप आए, कितने लोगों किसानों को लाभ मिला है? 24 तारीख को 7 नामांतरण किए गए। अच्छा, उसके बाद में आज की तारीख में 25 तारीख को करीब करीब 12 तक हो जाएंगे। हाँ, अभी 10 हो चुके हैं, काफी तो, बैठे हुए हैं। हाँ, उनका चल रहा है। तो ये दिवंगत परिवार के परिजन आ रहे हैं किसान लोग,
क्या क्या दस्तावेज मंगा रहे हैं सर अपन से? उनको सभी दस्तावेज मंगाए जाते हैं जी, जो कि मृत्यु प्रमाण पत्र मेन होता होगा, मृत्यु प्रमाण पत्र है ना, राज उसका जमीन का नकल, जमीन का नकल है ना, उसके बाद में उसका बैंक बैंक आधार कार्ड, आधार कार्ड, वोटर कार्ड है ना, दो गवाह, दो गवाह। अच्छा अच्छा सर, परिवार में कभी विवाद की स्थिति बनती है तो ऐसे में क्या क्या निर्णय लेते हैं? तो सभी से सहमति लेते हैं? सभी से सहमति, ऐसा बिल्कुल। अगर कोई सहमति नहीं दे तो फिर विवाद की स्थिति बने तो फिर क्या करेंगे, क्या रहता है उसको? पट्टा होल्ड, पट्टा जारी नहीं किया, जारी नहीं किया, होल्ड कर देते हैं, होल्ड कर देते हैं। कभी अभी अभी दो दिन में जैसा मामला सामने आया नहीं ना? कुछ आए लेकिन उनको समझा बुझा दिया ऐसा, और अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। अच्छा, जो पट्टे में नॉमिनी बना के जाते हैं उनको पहली प्रायोरिटी देते हैं जी?